हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी इंग्लिश ग्रामर क्लास। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि मैं लेने वाली हूँ आपका टेस्ट, तो मैंने सीरियसली टेस्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। टेस्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी जो टेस्ट नोटबुक है, आपके पास टेस्ट नोटबुक अवेलेबल होगी, टेस्ट नोटबुक निकालिए आप स्टूडेंट्स, और ऊपर आज की डेट मेंशन करो, और मैं सेंटेंस टॉपिक से आपका टेस्ट ले रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्लास टेस्ट या अपना जो भी है, आप अब होम टेस्ट है आपका, वो आपको राइट करना है। ठीक है, देखिए बेटा, ये अब घर बैठ करके जो पढ़ाई करवाई जा रही है, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए करवाई जा रही है। आप भूलो नहीं, आप पीछे से जो भूल गए उन चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। तो चीटिंग अगर आप करते हैं कि मैंने यहाँ से टेस्ट दे दिया अपने घर वालों को दिखाने के लिए, घर वाले इधर उधर होंगे तो आपने नोटबुक में से चीटिंग किया, लिख दिया और दिखा दिया कि देखिए हमने कंप्लीट टेस्ट राइट कर दिया है, तो उसमें कोई मजे वाली बात नहीं है, उसमें आपका ही सबसे बड़ा लॉस है और आप चीटर भी बन जाओगे। तो आप चीटर नहीं बनो, आप सेल्फ राइट करो। देखो मैं आपको एक ईजी वे बताती हूँ, मैंने क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, आप इनको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप अपनी फेयर नोटबुक ओपन करो और आप चेकआउट करो कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक राइट किए हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से 2-3 या सारे क्वेश्चन हमें लर्न नहीं हैं, या फिर कोई 1-2 क्वेश्चन लर्न नहीं है, कोई बात नहीं है, आप उनको वापस से लर्न करो और दोबारा से आप टेस्ट राइट करो। ठीक है, और फिर आप चेक करो कि हाँ हमने लर्न किया और हमने राइट किया, अब हमें प्रॉपर ये लर्न है। मेरा ये टेस्ट लेने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप स्टूडेंट्स को ये चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बस राइट ये क्वेश्चन देख लिए और अब जा करके लर्न करने बैठे हो फिर आप ये टेस्ट राइट करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन लर्न करना बताऊँ उस दिन आपको लर्न करना है। ठीक है, आज टेस्ट है तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटेंस, सेकंड राइट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विद एग्जांपल, थर्ड विच आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, नेम राइट करने हैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के, एक्सप्लेन एनी 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, फिर ये टेस्ट राइट करने के बाद में, चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक काम और करना है कि एक एप्लीकेशन दे रही हूँ आपको, अब आप थोड़ा बड़ी क्लास में आ गए हैं, इससे पहले आपने पढ़ ली होगी एप्लीकेशन। अगर आपने नहीं पढ़ी हो, आपको ये एप्लीकेशन नहीं आती हो, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वापस से एप्लीकेशन राइट करवा दूंगी। लेकिन अगर आपने राइट की हुई है तो आज आप सभी स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, राइट एंड लर्न एन एप्लीकेशन ऑन फुल फी कंसेशन। अगर आपको ये आती है आप राइट कर लेते हैं तो मैं कल इसका टेस्ट लूंगी, और अगर आप को ये नहीं आती है तो आप मेरे पास मैसेज करेंगे कि मैम प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस एप्लीकेशन, मैं दोबारा से ये एप्लीकेशन आपको राइट करवा दूंगी। अगर आप भूल गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा राइट करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।